चासनाला सेल के वेस्ट क्वारी में कार्यरत 4 इड़क कर्मियों के नियोजन और 16 माह की वेतन की मांग को लेकर चासनाला सेल के महाप्रबंधक के कार्यालय के समक्ष यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के शाखा सचिव संजू महतो के नेतृत्व में बुधवार को एक दिवसीय धरना दिया गया। इससे भी प्रबंधन नहीं चेता तो 18 नवंबर को पूरे कोलियरी का चक्का जाम कर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मौके पर शाखा सचिव संजू महतो ने कहा कि 8 इड़क यहाँ काम करते आ रहे हैं, वहीं प्रबंधन के द्वारा गलत तरीके से कार्य से 4 इड़क कर्मियों को बैठा दिया गया और जिनका 16 माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया। इसका प्रमाण भी हम लोगों ने प्रबंधन को दिया है, लेकिन प्रबंधन सुनने से रहा, जिसके खिलाफ आज महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। इससे भी प्रबंधन नहीं चेता तो 18 नवंबर को पूरे सेल कोलियरी का चक्का जाम कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही प्रबंधन की होगी। आज हम लोग यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं, हम लोग सीएम कार्यालय के समक्ष यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है जो हम लोग का 18 जो मजदूर एडहॉक में काम कर रहे थे, 18 मजदूर, हाँ, इसमें 4 मजदूर को काम से निकाल दिया गया है और 16 महीना का वेतन भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है इनका। इनको 4 आदमी को जो 12 एकड़ जमीन के बदले में नियोजन दिया गया था, लेकिन प्रशासन के मैंने अधिकारी के गलत नीति के कारण और इस लोगों को काम से बैठा दिया गया। हम लोग जब इनके बारे में पत्र के द्वारा हम लोग जवाब भी मांगे हैं, लेकिन सटीक ये लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहा है और गोल मटोल बात करके ये टाल अपना पल्ला को झाड़ रहा है। इसमें एकदम 100% ये लोग को नियोजन मिलना चाहिए और जो 16 महीना काम करा के वेतन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है उनको अविलंब एकदम भुगतान करना चाहिए, अन्यथा हम लोग ये आज एक रोज धरना है और हम लोग का इसके बाद आगामी 18 तारीख को पूरे सेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा और इस पे जितने भी जितना बड़ा यहाँ पर आंदोलन करना होगा आंदोलन करेंगे। मजदूर के हक के लिए लड़ाई के लिए हम लोग एकदम इसको जायज हक है और इसको सेल प्रबंधकों को देना ही होगा। लेकर